डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग को। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में प्रीवियसली वी हैव स्टडीड अबाउट रॉड कटिंग प्रॉब्लम। अब हमारे पास एक सेकंड प्रॉब्लम है विच इज़ नोन एज लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। तो ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? पहले हम समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, गिवन सीक्वेंस x1 to m एंड y1 to n, फाइंड आर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ बोथ। ठीक है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, आप ये सीक्वेंसेस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है? तो हमने फाइंड आउट करना है कि दोनों के दरमियान कौन सा कॉमन सब सीक्वेंस है जो कि सबसे लंबा है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, एक दोनों स्ट्रिंग्स के दरमियान सब सीक्वेंस फाइंड करना है, ठीक है, जो कॉमन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो वाला फाइंड करना है जो सबसे लंबा है, लेंथ ही है। ठीक है, हो सकता है दो स्ट्रिंग्स के दरमियान कई सब सीक्वेंसेस हों, ठीक है? तो हमने लेकिन सबसे लेंथ ही, सबसे लॉन्ग जो है, लॉन्गेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक्स पहली एक स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास है जी बेटा ए, इसमें ए बी सी डी डी ए बी, ये पहली स्ट्रिंग है, और दूसरी स्ट्रिंग है बी डी सी ए बी ए। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग्स हैं। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के दरमियान जो लॉन्गेस्ट का सब सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम अभी हम विजुअल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, अपने देख के बता रहे हैं कि कौन सा, तो सब सीक्वेंस का मतलब है कि हमने दोनों में से मैच करनी है। ठीक है, दोनों में से एलिमेंट्स को हमने मैच करना है। ठीक है, तो जैसे जी जैसे ये हमारे पास दो हैं स्ट्रिंग्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, इसमें से हमने कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड करना है। तो अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन करें तो अगर ए से हम नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो ए है लेकिन वाई में ए नहीं है, तो बी से दोनों कर सकते हैं। तो फर्ज कर लें कि हम बी को बी से मैच कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, सी उससे आगे वाला है, तो हम इनको सी को सी से जो सेकंड मैचिंग कर लेते हैं, सी को सी से, फिर आगे बी है तो यहाँ पे ये, यहाँ पे बी मौजूद है तो बी को बी से कर लेते हैं, और एक। अब देखें कि हमने जो सब सीक्वेंस फाइंड किया है वो क्या है। मैंने फोर मैचिंग्स की हैं, ठीक है, पहली मैचिंग मैंने की है बी की, ठीक है, दूसरी मैचिंग की है मैंने सी की, तीसरी मैचिंग की है मैंने बी की, एक ही मैचिंग की है। ठीक है, तो ये एक सब सीक्वेंस मैंने फाइंड कर लिया जो दोनों में कॉमन है। अच्छा, जब मैचिंग करनी है ना तो फॉरवर्ड करनी है, तो बैकवर्ड नहीं कर सकते, मतलब लाइंस जो हैं ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ए इधर है तो आप ए पीछे है तो वहां पे आप उसको कर दें, ये लाइंस मैंने जो दरम्यान में चार लगाई है ना तो ये ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, फॉरवर्ड होनी चाहिए मैचिंग। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये एक मैचिंग है, फर्ज करें हम इसकी और एक मैचिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी इसका। अब ये है ना, जैसे कि ये है हमारे पास ए, ए से मैच कर रहा है, ठीक है, ए अच्छा ए से मैच कर रहा है। जी मैं अब ये बी जो है ना, ये एस बी से भी मैच कर रहा है और बी एस से भी मैच कर रहा है, तो हम जी इस ये दोनों लाइंस को क्रॉस करके पिछले बी के साथ मैच नहीं करना, ये जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, क्रॉस नहीं करना। अगर बी हम मैच कर सकते हैं तो ये अगले वाले बी से कर सकते हैं, पिछले वाले से नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले वाले से करेंगे तो जो पहले एक लाइन लगी हुई है वो क्रॉस हो जाएगी। समझिए इस चीज को कि नहीं? सर, हम ये कह रहे हैं कि हमने मतलब जितने आगे डिजिट्स हैं वो सारे हम पीछे वाले के साथ मैच नहीं करेंगे, अल्फाबेट जितने भी आगे हैं। सादा सी बात है कि लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसको आप कैसे समझती हैं कि जब मैचिंग करनी है दो स्ट्रिंग्स की तो लाइंस जो हैं वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बस दैट्स इट। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आप आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो स्ट्रिंग है ना, तो अब फर्ज करें कि बी बी से मैच कर रहा है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे इनकी लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, अब ये मैच कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हैं सी सी से मैच कर रहा है, तो ये मैं इन दोनों को मैच कर दिया, ठीक है। अब जी ए है, ठीक है, ये ए और ऊपर वाली स्ट्रिंग का पहला है, ये भी मैच कर रहे हैं, तो मैं एक एक ये कर सकता हूँ,
अगर मुझे समझ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ए को पकड़ूं तो पीछे वाले के साथ मैच कर दूं, तो मुझे दो लाइनें क्रॉस करके पीछे जाना पड़ रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। ये लाइंस क्रॉस नहीं करनी, आप लाइंस अब क्रॉस नहीं करनी, तो इसका फिर ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि आप जो मैचिंग करेंगे वो फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड नहीं होगी। तो फिर आप इस ए को जो आपने मैच करना है तो ये अगले वाले ए से कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इनकी मैचिंग हो सकती है। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है बैटिंग, तो ये इसकी मैचिंग हो सकती है, पीछे वाले की नहीं हो सकती, ऐसे नहीं जा सकते ये, क्योंकि जहाँ पे क्रॉस करके आप जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें छोटी सी, ठीक हो गया। तो ये और भी बड़े आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि बीसीए एक और कॉमन है जो कि लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। बीसीए कैसे हो सकता है, आप देखिए कि आपके सामने बीसीडीए के बनाया, तो ये वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है। उसके अलावा बीडीएबी एक और कम्बिनेशन है जो भी जो इसके अंदर आप बना सकते हैं, वो भी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है, लेकिन हमारे पास एक बीसीए कम्बिनेशन है, या सब सीक्वेंस जिसे कहना चाहिए प्रॉपरली, BCA सब सीक्वेंस है, विच इज नॉट लॉन्गेस्ट बट इट इज सर, सब। हमने मैक्सिमम को ज्वाइन करना है या नहीं करना? क्या मैक्सिमम को ज्वाइन करें, मतलब ये ए के साथ मैच करना है, मैक्सिमम मतलब मैच करवाने हैं या मिनिमम मैच करवाने हैं? लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है मैक्सिमम जी, ज्यादा से ज्यादा लंबाई, लंबाई के रोक जितने भी मैच हो सके, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये पांच छह हैं हमारे पास, पांच छह लेटर्स हैं, तो इसमें मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। तो फर्ज करें अगर पहली स्ट्रिंग में 1,000 लेटर्स हों और दूसरी नीचे वाली में 2,000 लेटर्स हों, तो फिर कैसे मैच करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कौन सा है। तो आप क्वेश्चन ला सकते हैं सर, इसका क्या, हमें क्या फ़ायदा है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो बेटा इसके एप्लीकेशंस हैं हमारे जो डीएनए वगैरह में, जब हम जानदारों का डीएनए वगैरह लेते हैं तो मैचिंग करनी होती है, ठीक है। तो वो मैचिंग जब करते हैं तो वो एक सेल के अंदर डिफरेंट बेसिस एक होती है, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो अमाइनो एसिड वगैरह या इस तरह के प्रोटीन्स वगैरह कार्बन होते हैं, तो वो आरएनए के अंदर डीएनए के अंदर, तो वो लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो फोर हैं, तो वो इस तरह उसकी एक लंबी सी स्ट्रिंग्स बनती हैं जितने भी सेल्स हैं। तो जब हमने दो को मैच करवाना होता है तो वो मैचिंग इसी तरीके से होती है कि वी हैव टू फाइंड कि दोनों में कितना, कितने जो सब सीक्वेंस है, कितना लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है, दोनों में मैक्सिमम कितनी मैचिंग हो रही है। तो ये इसकी एप्लीकेशन नहीं है जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में खास तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी इसकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग्स को मैच करते हैं। जो गूगल वगैरह पे आप सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सर्चिंग में वो सर्च इंजन मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो आपके जो आपने स्ट्रिंग जो क्यूरी डाली है उसके साथ मैच्ड रिजल्ट लेके आपको शो करे, ठीक है। तो अब ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशन जो हैं वो, एक तो हमारे पास ब्रूट फोर्स की टेक्निक हो सकती है, ठीक है। और ब्रूट फोर्स में हम क्या करते हैं कि हम एक्स एक एक को पकड़ते हैं, एक लेटर को, एक पहली स्ट्रिंग की एक लेटर को पकड़ते हैं और उसके बाद जो दूसरी है उसके साथ सबके साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी को पकड़ते हैं फिर मैच करने की, और फिर सो ऑन। तो हम हमारे पास जो टोटल सब सीक्वेंस बनेंगे ना, वो 2^m बनेंगे। तो एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास लेंथ है जो सेकंड सब स्ट्रिंग है। तो चूंकि ये काम हम एन टाइम कर रहे हैं तो ये एन इंटू 2^m टोटल टाइम लगेगा अगर हम इसको ब्रूट फोर्स मेथड से करेंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2^m एन जो भी कोई नंबर होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम होता है एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, और ये आजकल के कंप्यूटर्स इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो क्या करें कि हम कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा वे फाइंड आउट करें कि हम इस इतनी जो लेंथ टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिथम है उसको हम शॉर्ट कर सकें, वो जो कम से कम टाइम ले। तो फिर उसका हल ये है कि ये प्रॉब्लम हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है जी। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो इसका मेथड है वो है टेबल बेस्ड मेथड है इसका। तो हम देखते हैं कि वो मेथड हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो
तो सबसे पहले ये उसका एल्गो की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इनिशियलाइज द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक मैट्रिक्स लेंथ लेन एस सी एस टू जीरो। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसकी एम हमारे पास कॉलम है और एन उसके रोज हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, तो आगे बना भी रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें जो पहला कॉलम और पहली रो है उसको जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोर आल्सो इन टेबल एन एरो पॉइंटिंग टू द अरे एलिमेंट दैट वाज यूज्ड इन द कंप्यूटेशन। इसमें हम एक अरे एरो का इस्तेमाल करेंगे, वो आगे हम देखते हैं। और जो अब रनिंग टाइम निकलेगा ना इसका, तो वो रनिंग टाइम बेटा इसका निकलेगा एम इंटू एन। तो इट इज अ पॉलीनोमियल टाइम, इट्स लाइक एन स्क्वेयर। ठीक है, एन स्क्वेयर इसलिए नहीं लिख सकते कि रोज और लेंथ की कॉलम डिफरेंट हो सकती है, दोनों स्ट्रिंग्स की कॉलम जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हम एम एन लिख रहे हैं। अगर दोनों की सेम है तो ये स्क्वेयर में आ जाएगा सिंपली। ठीक है, एम एन का मतलब यही है कि ये पॉलीनोमियल टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसकी एल्गो को एक नज़र देख लेते हैं, फिर हम इसको कंप्यूट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है कि जो एक्स की जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग पहली एक्स है उसकी एम को साइन कर देंगे लेंथ, और वाई जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको एन को साइन कर देंगे। ये लेंथ साइन कर रहे हैं यानी कि दोनों स्ट्रिंग की लंबाइयाँ कितनी हैं, उसमें कितने करेक्टर्स हैं। फिर हम क्या करेंगे, वन टू एम जाएंगे और सी एफ आई एफ ज़ीरो को हम असाइन कर देंगे ज़ीरो, यानी कि जो हमारे पास पहला कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, सबको ज़ीरो साइन कर देंगे। फिर उसके बाद जो पहली रो है उस सबको ज़ीरो असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये दो काम यहाँ पे हो रहे हैं, दो लूप ये काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक नेस्टेड लूप है, वो क्या करता है, वो वन टू एम जाता है और वन टू एन जाता है। ठीक है, उसने पूरे टेबल को एक दफ़ा चेक करना है, हर सेल को एक दफ़ा विजिट करना है। तो वो विजिट के दरमियान क्या करेगा, वो बेटा विजिट के दरमियान ये दो तीन काम करेगा। पहला काम करेगा कि अगर एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू वाई ऑफ जे, ठीक है, अगर दोनों एक्स आई और वाई जे सेम हैं, ठीक है, फिर क्या करेगा, वो सी एफ आई एफ जे को असाइन कर देगा सी एफ आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन प्लस वन, यानी कि उसके जो डायगोनल पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें वो लेके उसमें प्लस वन कर देगा और एरो जो है ना डायगोनल एरो का निशान लगा देगा। ठीक है, अगर इसको ऐसा ऐसे नहीं है, करते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रही। हाँ जी एक बेटे एक दफा गो थ्रू हो जाए फिर हम करते हैं आगे। ठीक है, एल्स क्या करेंगे, इफ सी एफ अगर ये नहीं है, मैच नहीं करेगा, तो फिर दो 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 हैं। अगर पहला है, अगर मैच कर देगा तो हमें ये काम करना है, अगर मैच नहीं करेगा तो हमें ये दो काम करने हैं। इफ सी एफ आई माइनस वन कॉमा जे ग्रेटर देन इक्वल टू सी एफ आई कॉमा जे माइनस वन, तो क्या करेंगे, बी एफ सी एफ आई आई एफ जे को असाइन कर देंगे सी एफ आई माइनस वन कॉमा जे और एरो का निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और एल्स अगर ये नहीं है, यानी कि अगर ये काम नहीं है, तो फिर दूसरा काम ये है कि हम क्या करेंगे, सी एफ आई एफ जे को सी एफ आई कॉमा जे माइनस वन असाइन कर देंगे और बी एफ आई एफ जे को एरो का निशान हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको शो कर देगा। ठीक है जी, हॉरिजेंटल एरो का। और बी और सी जो हमारे पास दो टेबल हैं वो हमें रिटर्न हो जाएंगे। बी में हम बेसिकली हमारे पास एरोज हैं और सी में हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी होगी, तो कोई मसला नहीं अभी समझ। ठीक है, अब जी आपके सामने बेटा हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। पहली जो स्ट्रिंग है वाई, उसमें वाई जो है ना उसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट है, बी डी सी और ए। ठीक है, ये वाई में है और एक्स में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं, एक्स में हमारे पास बेटा ये एलिमेंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको कोई भी स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग मिलेंगी, आपने लॉन्गेस्ट सब कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड करना है थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड वी आर यूजिंग टेबुलेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, वाई एफ जे एक्स एफ जे, तो ये पहला कॉलम और पहली जो रो है ना ये आपने इसको जीरो जीरो साइन कर देना। तो ये जो एल्गोरिथम हमने पीछे देखी है इसमें ये जो दो लूप्स हैं ना ये काम कर रहे हैं, ये सबको पहले कॉलम को पहली रो को जीरो जीरो साइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने एक्स के फोर एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं और वाई के फोर एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं। ठीक हो गया जी, ये सबको आपने जीरो जीरो पहले लूप से साइन कर देते हैं। उसके बाद है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है,
यहाँ से स्टार्ट करना है कैसे, ये जो हमारे पास है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इफ ये पहला आई भी वन है, जे भी वन है, तो वन वन सी एफ आई, अगर सी एक्स एफ आई यानी कि एक्स एफ वन इज इक्वल टू वाई एफ जे यानी कि वाई एफ वन, एक्स एफ वन इक्वल टू वाई एफ वन, अगर एक्स एफ वन इज इक्वल टू वाई एफ वन यानी कि अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है फ्रॉम राइट फ्रॉम दिस पोजिशन, ठीक है, तो इस पोजिशन पे हमने स्टार्ट करना है और क्या करना है, हमने ऊपर देखना है, यहाँ पे देखना है और इसी की हॉरिजेंटली यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो क्या ए और बी मैच कर रहे हैं, क्या सेम है? नो, नो मैच नहीं कर रहे, तो एल्गोरिदम को भी मैं साथ बता देता हूँ, ये तो भाई यहाँ से बात खत्म होगी, ये मैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एल्स वाले पार्ट में आ जाएं, एल्स में दो हिस्से हैं, इफ का और एक एल्स का, इफ एल्स के अंदर दो पार्ट हैं, ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि सी एफ आई माइनस वन कॉमा जे, तो ये सी एफ जीरो, आई माइनस वन क्या है, आई इस वक्त हमारे पास क्या है, वन, वन माइनस वन जीरो, सी एफ जीरो और जे हमारे पास वन है, ठीक है, तो सी एफ जीरो कॉमा वन ग्रेटर देन इक्वल टू सी एफ वन कॉमा जे माइनस वन, यानी कि इसका मतलब है कि क्या ये जो करंट करंट सेल है ये वाला, इससे ऊपर वाला जो सेल है क्या वो ग्रेटर है इक्वल है दिस सेल, ठीक है, ये जो सेल जो करंट सेल है ना उसका ऊपर वाला सेल देखना है और उसके लेफ्ट वाला सेल देखना है, ऊपर वाला और लेफ्ट वाला दो सेल देखने हैं, तो पहला है कि क्या जो ऊपर वाला सेल है और उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है जो कि जीरो है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, ये जो लेफ्ट वाला है, तो क्या है जो ग्रेटर है ये इक्वल है, हाँ इक्वल है ना। जी इक्वल है, इसका मतलब है ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली नहीं होगी, ठीक हो गया जी जी। तो इफ में क्या कहा है, उसने कहा सी एफ आई एफ जे को असाइन हो जाए सी एफ आई माइनस वन कॉमा जे, यानी कि हमने जो ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है ना उसको कॉपी करके नीचे ले आना है, तो ऊपर क्या पड़ा हुआ है जीरो, इसको हम जीरो को कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे, तो ये येलो में आप देखें हमने इसको जीरो को कॉपी करके नीचे लेके आ गए हैं, ठीक है, और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट इसकी क्या है, बी एफ आई एफ जे को ये एरो का निशान आपने साइन कर देना है, तो देखिए हमने इसको अप एरो का निशान यहाँ पे शो कर दिया कि जहां से हमने वैल्यू कॉपी की है वहां उसी तरफ से एरो का निशान जाएगा, ठीक है, एरो का निशान की एक छोटी सी बात आप याद रखें कि एरो का निशान उसी सीमत में जाएगा जिस सीमत से हमने कॉपी किया है, वैल्यू कॉपी की है उसी सीमत से हम जाएगा, ठीक हो गया। सेम, अब ये जो मैंने एक सेल के ऊपर काम किया है ना, ये सब सेल्स के ऊपर यही काम करना है, ठीक है, तो हम ये काम अब करने लगे हैं बार बार, तो ये कितने हैं हमारे पास, 4, 8, 12, 16, अब यही काम जो है ना 16 टाइम्स हम करने लगे, तो आई होप ये बीच में कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, अब ये काम दोबारा करना है, अब हमने मूव करना है इस अगले सेल के ऊपर, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि क्या ये जो ऊपर डी है और ये जो ए है क्या बराबर है, सेम है, नो, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि अब जो सेम वाला पोर्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाले पोर्शन में हम चले जाएंगे, अब एल्स वाले पोर्शन में हमने जाना है तो हमने देखना है कि ये जो करंट सेल है उसका जो ऊपर वैल्यू पड़ी है जीरो और जो उसके लेफ्ट पे वैल्यू पड़ी है जीरो, इसमें से बड़ी कौन सी है, तो बड़ी कोई भी नहीं है, दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम होंगी ना तो फिर ऊपर वाली वैल्यू को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है, तो फिर हमने ऊपर से जीरो को नीचे कॉपी कर लिया और एरो का निशान ऊपर लगा दिया, सर, ये ठीक हो ए गया, को ही हम कंपेयर कर रहे हैं ना, ए को डी के साथ, जैसे हाँ पहले ए जी को बी के। ठीक हाँ, है, अब हम चलते हैं अगले सेल के ऊपर, यहाँ पे ऊपर देखें सी है और यहाँ पे हमारे पास अगेन ए ही, अभी ए और सी मैच नहीं होते, ठीक है, तो अब मैचिंग वाला काम नहीं होगा, अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि इस सेल के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी है और उसके लेफ्ट पे क्या वैल्यू पड़ी है, तो दोनों चूंकि बराबर हैं तो जब दोनों बराबर हों जो बड़ी होगी तो वो ले लेंगे, तो अगर बराबर हैं तो ऊपर वाली को प्रेफर करेंगे, तो वो ऊपर वाला जीरो नीचे आ गया है और उसका एरो का निशान भी ऊपर की तरफ हमने कर दिया, ठीक है,
सर एक अब वो बात की जो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट वाले, ये वाई वन वाली लाइन में कर रहे हैं, ये जो साथ साथ आगे जीरो आते जाते हैं, एरो लगता जाते हैं, उनके साथ कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? ये जो आप जीरो को कंपेयर करते हैं लेफ्ट पे, ये आप वाई वन वाली लाइन में जीरो को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ जो आते जाते हैं जीरो जिन पे एरो भी लगे हैं उनके साथ लेफ्ट लेफ्ट पे कंपेयर हो रहा है? हाँ बेटा, ये करंट सेल का बिल्कुल ऊपर वाला सेल और करंट सेल का बिल्कुल लेफ्ट वाला सेल, उसकी वैल्यूज के साथ हम कंपेयर कर रहे अच्छा हैं। अब ये देखिए, अब इस सेल पे आ जाइए, ये हमारा करंट सेल है ये वाला, ठीक है। जी अब इसके ऊपर देखें क्या आ रहा है, ए, इसके ऊपर इधर भी ए आ रहा है, ठीक है, दोनों ए है, मैच कर गए, ठीक है। तो अब डिफरेंट सिनेरियो, फर्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं कि अगर दोनों मैच कर जाएं तो फिर क्या करेंगे। फिर हम बेटा क्या करेंगे, हम डायगोनल इस सेल का, करंट सेल का डायगोनल विच इज दिस सेल, इसको देखेंगे, ठीक है। जब मैच कर जाएंगे तो डायगोनल सेल को, इसको देखेंगे और इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी उसमें वन ऐड करेंगे और यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, जीरो, उसमें करेंगे वन ऐड तो ये वन हो जाएगा, और वन यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने, और ये एरो का निशान जो है ना वो डायगनली जीरो की तरफ, जहां से हमने कॉपी किया उसकी तरफ हमने पिन पॉइंट कर दिया, ठीक हो गया बेटा। तो इस ये हमारी पहली रो खत्म हो गई, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड रो से हम स्टार्ट करते हैं। अब इस करंट सेल ये है, यहाँ पे हमारे पास बी है, और सॉरी करंट सेल ये वाला है, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ पे हमारे पास बी है, ऊपर भी बी है, दोनों क्या कर गए हैं, मैच कर गए। तो जब दोनों मैच करेंगे तो हम इसके जो डायगोनल वाला सेल है उसमें से जो वैल्यू पड़ी है वो लेंगे, उसमें वन का इजाफा करेंगे और उसको नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे जीरो पड़ा है तो वन का इजाफा हुआ तो यहाँ पे वन हो गया, और एरो का निशान जहाँ से हमने डायगोनल से, जहाँ से हमने लिया है डेटा, वह उसी तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कॉलम पे ऊपर, यहाँ अब करंट सेल ये है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बी है, ऊपर हमारे पास डी है, ठीक है, दोनों मैच नहीं कर रहे। तो जब दोनों मैच नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, फिर इसी सेल, करंट सेल का बिल्कुल ऊपर वाला सेल देखेंगे और उसके बिल्कुल लेफ्ट वाला सेल देखेंगे, तो उसमें से जो बड़ा होगा ना वो आ जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर ऊपर वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट में वन वैल्यू है, ऊपर जीरो है, तो इसका मतलब है लेफ्ट वाला बड़ा है, तो हम लेफ्ट से वन कॉपी कर लेंगे और एरो का निशान उस तरफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अगला सेल। अब ये करंट सेल ये हो गया, अब देखिए कि यहाँ पे हमारे पास बी है और ऊपर क्या है, सी है, दोनों मैच नहीं करते हैं। तो दोनों मैच नहीं करते तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल ऊपर वाले सेल को और बिल्कुल लेफ्ट वाले सेल को की वैल्यूज को चेक करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट में एक है, ऊपर जीरो है, तो इसका मतलब है लेफ्ट वाला जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, तो हम वन यहाँ से कॉपी कर लेंगे सिंपली और एरो का निशान उस तरफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास ये एरो बेसिकली ऊपर आ गया है, तो एरो को इधर ही समझना है, ये थोड़ा सा साइड भी होगा, ठीक है, ये ऊपर फॉर्मेटिंग की वजह से, और मेरे ख्याल से, ठीक है। आप फर्ज करें हमें नहीं पता कि इसके नीचे क्या है, ठीक है, तो हम इसको ब्लैंकली इसको करते हैं जरा, ठीक है, इसको हम ब्लैंकली करते हैं, ठीक है। अब ये करंट सेल हमारे पास ये है, अब इसके ऊपर पड़ा है ए और नीचे इधर इस तरफ है बी, तो दोनों मैच नहीं कर रहे। तो दोनों अगर मैच नहीं कर रहे तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल ऊपर वाले सेल को और इसके बिल्कुल साइड वाले सेल को जो लेफ्ट साइड पे है उसको उसकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अगर तो दो जो बड़ी है वो आ जाएगी, अगर दोनों बराबर हैं फिर ऊपर वाली को प्रेफर करेंगे। तो ऊपर वन है तो वन हम कॉपी कर लेंगे नीचे, और एरो का निशान भी ऊपर की तरफ हम कर देंगे, ठीक हो गया बेटा। अब हम दोबारा से ये काम इस करंट सेल के ऊपर करते हैं, जो हमारे पास इस वक्त करंट सेल है ये है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारे पास सी है, ऊपर हमारे पास बी है, ठीक है, सी बी मैच नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू और उसकी जो लेफ्ट वाली वैल्यू है उसको देखेंगे। ऊपर वन है, लेफ्ट पे जीरो है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऊपर से हम वन को कॉपी कर लेंगे और एरो का निशान ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर करंट सेल ये हो गया, यहाँ पे सी है, ऊपर डी है, मैच नहीं कर रहे, ऊपर और लेफ्ट वाली वैल्यूज को हम देखेंगे, ऊपर दोनों सेम है तो ऊपर वाली को प्रेफर करेंगे, ऊपर से वन नीचे आ जाएगा और एरो का निशान
ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही हम अगले सेल पे चलते हैं, यहाँ पे सी है, ऊपर भी सी है, कंग्रेचुलेशन, दोनों मैच कर गए, ठीक है। तो जब मैच करेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो हम इस जो करंट सेल है उसका जो डायगनल सेल है ना उसकी तरफ देखेंगे। तो इसमें क्या पड़ा हुआ, ऐसे वक्त हमारे पास वन, तो वन लेंगे उसमें वन ऐड करेंगे तो हो जाएगा टू, तो हम यहाँ पे टू लिखेंगे और एरो का निशान हम उस सेल की तरफ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इस सेल पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे सी है, ऊपर ए है, मैच नहीं किया है, तो फिर हमें ऊपर वाले और साथ वाले को देखना पड़ेगा। ऊपर वन है, साथ टू है, तो टू ग्रेटर है, तो इसलिए हम टू वहां से कॉपी कर लेंगे और एरो का निशान उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट रो आ जाती है, तो इसमें देखें बी है, ऊपर भी बी है, मैच कर गए हैं, तो फिर मैच जब करेंगे तो हमेशा डायगनल की तरफ देखेंगे, वहां पे जो वैल्यू पड़ी है उसमें वन ऐड करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे और एरो का निशान उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगले सेल पे आ जाएं, ऊपर डी है, नीचे बी है, मैच नहीं करते हैं, फिर हम बिल्कुल ऊपर वाले सेल को और बिल्कुल पीछे वाले सेल को देखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, जब वैल्यू सेम होगी तो ऊपर वाले को हम प्रेफर करेंगे और एरो का निशान भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अगला सेल, ऊपर सी है, नीचे बी है, मैच नहीं किया, तो ऊपर वाली वैल्यू और साथ वाली वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे, तो इसमें कंपेयर जब किया तो पता चला कि ऊपर जो है वो टू है, साइड पे वन है, टू ग्रेटर वैल्यू है, टू को हम नीचे ले आएंगे और एरो का निशान उस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आखिरी हमारे पास सेल है, तो इसमें देखें कि ऊपर ए है, साइड पे बी है, मैच नहीं किए हैं, तो फिर क्या हुआ कि हम बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू और बिल्कुल साथ वाली वैल्यू को देखेंगे, दोनों में दो दो पड़ा हुआ है, सेम है, तो फिर जब सेम वैल्यूज होंगी तो ऊपर वाली को प्रेफर करेंगे और ये ऊपर से दो कॉपी कर लिया और एरो का निशान भी ऊपर आ गया, ठीक हो गया जी। डेट्स इट, ये हमारी एल्गोरिदम खत्म हो गई। तो अगर आप इसमें कोई समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये हम कर क्यों रहे हैं वैसे, सब मसलन कर क्यों रहे, मसलन इस एल्गोरिदम की पर्पस? पर्पस मैं बता चुका हूँ, आपने लेट ज्वाइन किया है। हाँ जी, उम्मीद भी बताएं हम ये क्यों कर रहे हैं। सर डीएनए वगैरह में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये चीज यूज होती है। कैसे? सर हम अल्फाबेट्स को मैच करते हैं और क्रॉस नहीं करने देते, ये वही वाली बात है ना? हाँ जी, हमने मैचिंग करनी होती है कि डीएनए कितने लोगों के मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के कितने करीब हैं, कितनी सिमिलरिटी है, ठीक है। तो जैसे आपने रोज ही सुना होगा, रोज ही पाकिस्तान में तो डीएनए टेस्ट हो रहा होता है, कोई ना कोई क्राइम हो रहा है तो उसका डीएनए टेस्ट होगा, अगर कोई प्लेन क्रैश कर गया तो वहाँ पे मरने वाले लोग जो कि काबिले शनाख्त नहीं है तो उनका डीएनए टेस्ट होगा। तो डीएनए टेस्ट क्या होता है, तो उसमें आपका प्रोफाइल बिल्ड किया जाता है कि आपके जो डीएनए का प्रोफाइल क्या है, फिर आपके किसी भी फैमिली के करीब करीब मेंबर का, फादर का, मदर का या सिबलिंग्स का डीएनए लिया जाता है, तो फिर उनको दोनों को लेके फिर इसी तरीके से एल्गोरिथम की मदद से उसको मैच किया जाता है। तो अगर सिमिलरिटी मैक्सिमम होगी, उनकी कोई लिमिट होगी कि 80%, लेट्स सपोज अगर दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब है ये दोनों रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कई एप्लीकेशंस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और जिसमें ये जो सब सीक्वेंस हमने फाइंड करना है इसका इस्तेमाल होता है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम एरो और वो वन, वो दोनों हमारे पीछे मेमोरी में सेव हो रहे होते हैं, हाँ जी, यानी फॉर एग्जांपल अगर 2 बाइट की मेमोरी में हम ले रहे हैं इंटीजर, सर इसको हम स्ट्रिंग के तौर पे सेव करेंगे ना अगर हम एल्गोरिदम प्रोग्राम को रन करें तो? स्ट्रिंग के तौर पे कर लो, ठीक है। अब काम खत्म नहीं हुआ अभी, अभी हमने कुछ और काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज असाइन करने का पता चल गया कि वैल्यूज कैसे पुट कर रहे हैं। सर बस एक चीज बता दें, मुझे मुझे कनेक्शन नहीं जुड़ रहा। हम लोग ये डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं जो हमने पीछे रोड कटिंग की थी, उसके बाद अब ये एक नया नई एल्गोरिदम है LCS।
जी, नया प्रॉब्लम है, नई एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम इस पे भी डायनामिक एल्गोरिदम लगा रहे हैं, हाँ हम जी, ये कर रहे हैं बस। हाँ जी। ठीक है, अच्छा, अब हमने फाइंड करना है लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अभी तो हमने टेबल बना के एल्गोरिदम चला के बना दिया, अब अभी हमने ये फाइंड आउट नहीं किया, निकाला नहीं है कि इसका लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है, तो अच्छा जी, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस फाइंड करने का क्या तरीका है, तो क्या करना है इसमें, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस फाइंड करना है। तो उसका तरीका कार क्या है, हम यहाँ से आखिरी सेल से शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और एरो को फॉलो करेंगे कि एरो कहाँ जा रहा है और हमने उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो एरो या अब ये इसको अब ये सेल यहाँ इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ इस तरीके से। ठीक है, एरो जा रहा है ऊपर, तो मैं ऊपर वाले सेल को भी सिलेक्ट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ऊपर वाला, अब जो एरो जा रहा है लेफ्ट पे, तो मैं इसको भी कर देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, इस एरो को, अब जो एरो डायगनल जा रहा है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एरो राइट पे जा रहा है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। और ऐसे ही एरो जा रहा है मेरे पास, डायगनल जा रहा है गेम, तो उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक आप देखिए, मैंने एक पाथ फाइंड कर लिया, एक एक रास्ता तलाश कर लिया इसके अंदर, ये यहाँ 2 है, फिर ऊपर 2, फिर इधर 2 पे चले जाएंगे, फिर 1 पे, फिर 1 पे, फिर 0 पे। ठीक है, तो ये एक पाथ हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे हाईलाइट करेंगे इसको। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट करेंगे, तो ये हमारे पास एक पाथ आ गया। तो पाथ में हमें क्या करना है कि अब हमने जो डायगनल एरो है इस पाथ के अंदर, जो डायगनल एरो है ना, उसके जो ऊपर लेटर लिखा हुआ ना, वो नीचे ले आए। तो यहाँ पे ये डायगनल एरो नहीं है, ये भी डायगनल एरो नहीं है, लेकिन ये वाला डायगनल एरो है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर सी लिखा हुआ है, तो मैं इसको सी के यहाँ नीचे लिख देता हूँ। फिर इसी पाथ पे मूव करें, ये हॉरिजॉन्टल एरो है, ये डायगनल एरो है, तो मैं इसके नीचे जो ऊपर लिखा हुआ है ना बी, उसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और फिर उससे आगे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई एरो नहीं है डायर से। तो अब हमें जो मिला है नीचे, वो मिला है बी सी। तो ये जो पाथ है ना, तो ये हमें कह रहा है कि इस दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो बी और सी है ना, ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, बी और सी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बताया है, तो आप और भी ट्राई कर सकती हैं इसको वेरीफाई करने के लिए कि नहीं सर, हो सकता है कि और भी हो, तो मैं इसको यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, मैं इधर से चेक करूँ, इधर से तो नहीं बनता। तो फर्ज करें इधर से एरो ऊपर जा रहा है, तो ये एक डायगनल है, फिर एक ये डायगनल है, ये हॉरिजॉन्टल है, फिर ये एक डायगनल है। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसमें अगेन हमारे पास आ रहे हैं 2 डायगनल आ रहे हैं। ठीक है, और वो दोनों के दोनों कौन से हैं, ये बी सी ही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, तो ये बी सी ही हमें मिल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप किसी और पोजिशन से स्टार्ट कर सकती हैं, कि यहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ एक ही रह जाएगा मैचिंग में, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही होगा। ठीक हो गया, तो ये दिस इज हाउ वी गेट द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस विच इज बी एंड सी, बी सी। ये येलो में यहाँ पे जो आपको हाईलाइट भी है कि बी और सी, इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है वो बी सी है। तो इसको हम लिख सकते हैं एल सी एस इज इक्वल टू बी सी। अल्फाबेट। हाँ, वो सिर्फ वो सेल फाइनली सिलेक्ट होगा जिसके अंदर डायगनल, जिसके अंदर एरो जो है वो डायगनल है। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर यहाँ पे एक चीज ये हमने ये की कि हमने लास्ट वाला जो है वो डिजिट सेलेक्ट किया, लेकिन हाँ, अगर हम थर्ड थर्ड रो में जो है वो लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, तो या सेकंड रो में लास्ट वाला 2, तो 2 के ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे उसमें तो अब कोई एरो नहीं है, तो अब इसका मतलब ये इसका सीक्वेंस खत्म हो गया। ठीक हाँ, बिल्कुल, एरो को फॉलो करना है, जिधर एरो जाएगा उसको फॉलो। है, ठीक है, अच्छा, तो बेटा ये इसमें है हमारे पास लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस। इसके अलावा बुक में भी एग्जांपल हैं, तो अभी आपने क्या करना है, अभी हमारे पास जो बुक है उसमें आपका क्वेश्चन होगा,